अली के एविक्शन पर भड़के फैंस, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग वी वांट अली बैक। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में फिनाले वीक के लिए एविक्शन के प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अब खबरों की माने तो इस वीक में अली गोनी घर से बेघर होने वाले पहले कंटेस्टेंट्स बन गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन जनता के वोटिंग के आधार पर किया जाता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक टास्क में बेहतर परफॉर्म न कर पाने के लिए अली गोनी को बिना जनता की वोटिंग के बेस पर घर से बाहर किया गया है, और इससे पहले भी इस तरह की कई कंटेस्टेंट्स बिना जनता की वोटिंग के आपसी सहमति पर घर से बाहर हुए हैं, जिसे लेकर फैंस में आक्रोश देखा जा रहा है। फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और इसे घर का एक और अनफेयर इविक्शन बताया जा रहा है, और फैंस ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई कंटेस्टेंट अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ऐसे में जब फैंस के शिशुओं से जनता ही नहीं जुड़ी है तो शो की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, और इसीलिए बिग बॉस वोटिंग शुरू से ही लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता खोता दिखाई दिया है। अली गोनी के एविक्शन को लेकर अनफेयर बताते हुए फैंस ने ट्विटर पर हैशटैग वी वांट अली बैक मुहिम शुरू की है, और ये हैशटैग देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। अब ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में अली का एविक्शन हुआ है या फिर उन्हें सीक्रेट रूम में रखा गया है और बाद में उनकी शो में धमाकेदार एंट्री होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।